जय श्री राम। नमस्कार, मैं सुप्रिया भटनागर हिंद की आशा से। आज हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी के त्यौहार की। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला त्यौहार है, जिसमें हमारी परंपरा, भौगोलिक परिवर्तन, सामाजिक कार्य तथा आध्यात्मिक पक्ष सभी का सम्मिश्रण है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वास्तव में भारतीय गणना के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली 6 ऋतुएं क्रमशः बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर आदि में बसंत को ही ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा माना गया है और बसंत पंचमी के दिन को ही वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। इसीलिए बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का दिन भी है, जिस दिन से प्राकृतिक सौंदर्य निखरना शुरू हो जाता है। पूरी प्रकृति एक नवीन ऊर्जा से भर उठती है। बसंत पंचमी को विशेष रूप से सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह माता सरस्वती का प्राकट्योत्सव है। बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ऊर्जामय ढंग से और विभिन्न प्रकार से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा उपासना करके उनसे विद्या बुद्धि प्राप्ति की कामना की जाती है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए तो बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत विशेष होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने और खिचड़ी बनाने, पीले चावल बनाने और बांटने की प्रथा भी प्रचलित है। इस दिन वसंत ऋतु के आगमन होने से आकाश में रंगीन पतंगे उड़ाने की परंपरा भी बहुत दीर्घकाल से प्रचलन में है। बसंत पंचमी के दिन का एक और विशेष महत्व है। जी हाँ, बसंत पंचमी को मुहूर्त शास्त्र के अनुसार एक स्वयं शुद्ध मुहूर्त और अनसूझ साया भी माना जाता है। अर्थात इस दिन कोई भी शुभ मंगल कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन नींव पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार आरंभ करना, सगाई और विवाह आदि मंगल कार्य किए जा सकते हैं। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। भक्त लोग ज्ञान प्राप्ति और सुस्ती आलस्य और ज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। आज के दिन शिशुओं को पहला अक्षर लिखना भी सिखाया जाता है। माता पिता आज के दिन शिशु को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरंभ कराते हैं। सभी विद्यालयों में आज के दिन सुबह के समय माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ज्योतिष विद्या में पारंगत व्यक्तियों के लिए बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। सभी विद्यालयों, शिक्षा केंद्रों में पूर्वांग के समय ही सरस्वती पूजा करके माता सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में देवी की पूजा करके प्रतिमा को विसर्जित भी किया जाता है। सबसे पहले तो सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को किसी भी जगह पर स्थापित करना चाहिए। माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके श्री गणेश जी और नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। माता सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। उन्हें सिंदूर तथा अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। देवी सरस्वती माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाया जाना चाहिए। माँ सरस्वती के चरणों में गुलाल भी अर्पित करना चाहिए। माँ सरस्वती के पूजन के अवसर पर माँ सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं, पीले रंग के ही फूल चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में मौसमी फलों का भी अर्पण करें, बूंदी भी अर्पित करें। इस दिन पीले चावल या पीले रंग का भोजन करें, गुड़ वाले चावल केसर के साथ मिलाकर बनाएं। माँ सरस्वती की आरती करें, दूध, दही, तुलसी, शहद मिलाकर पंचामृत का प्रसाद बनाएं और माँ को भोग लगाएं। इस दिन माँ सरस्वती को मालपुए और खीर का भी भोग लगाया जाता है। माँ सरस्वती के नाम से हवन भी करना चाहिए। कलश की स्थापना करें, प्रथम पूज्य गणेश जी का पंचोपचार करें और विधि पूर्वक माँ सरस्वती का ध्यान करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार इस पूजा को संपन्न करें, माँ से आशीर्वाद मांगें। वसंत पंचमी की कथा भी है और वसंत पंचमी की आरती भी गाई जाती है। वसंत पंचमी की आरती गाने के बाद उनके मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए।
उनके स्रोत भी हैं। माँ सरस्वती के स्रोतों का भी उच्चारण करना चाहिए। हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार है, जो मेधा है, उसका आधार माँ आप सरस्वती ही हो। आपकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। मैं सुप्रिया भटनागर हिंद की आशा से।